झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज महानवमी का हवन पूजन किया और फिर अपने जमशेदपुर आवास में कन्याओं को अपने हाथ से भोजन परोसकर उनका आशीर्वाद भी लिया। सीएम रघुवर दास ने इस मौके पर मां दुर्गा से राज्य और देशवासियों के कल्याण की मंगल कामना भी की है। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हथियारों की पूजा कर रहे झारखंड आर्म पुलिस यानी जैप के जवान को देखकर यही लग रहा होगा कि इनमें कितना भक्ति भाव है। नेपाली समुदाय से जुड़े पुलिस के जवानों के लिए नवरात्र और महानवमी का ये दिन बेहद ही खास होता है। हर साल आज के ही दिन अपने हथियारों की पूजा ये करते हैं ताकि दुश्मनों के सामने ये हथियार कभी चूक ना जाए। इसके लिए पहले ये जवान अपने हथियारों की पूजा करते हैं और बाद में मां दुर्गा को सलामी दी जाती है। देखिए, यहाँ का पूजा का इतिहास बहुत लंबा है, वर्षों नहीं सैकड़ों वर्षों का पुराना इतिहास है। और यहाँ के जवान जब कभी शुभ काम में जाते हैं तो यहाँ माता भगवती का स्मरण करके ही जाते हैं और माता भगवती उनको आशीर्वाद देती हैं और जिस काम को लेकर जाते हैं काम पूरा करके ही आती हैं। आते हैं कि जवान, माता भगवती का काफ़ी आशीर्वाद है। ऐसे माता भगवती का तो पूरी देश दुनिया में ही आशीर्वाद है। जहाँ हम लोग जानते हैं कि जब पृथ्वी पर अत्याचार हो रहा था दैत्यों का, राक्षसों का, तो सभी देवी देवता भयत्रस्त थे, तो सभी आपस में मिल करके एक तय किए कि एक शक्ति का हम लोग आराधना करें। तो शक्ति की आराधना की गई अपने अपने को देखे तो भगवती के अवतरित हुए, दुश्मनों को नाश किए। तो हम लोगों का तो शुरू से रहा ही है कि अच्छे आदमी को, अच्छे व्यक्ति को सलामी दी जाती है, तो माता भगवती से बढ़कर कौन है, इसे सलामी देना बिल्कुल उचित। हथियारों की पूजा के दौरान जवानों का खास दस्ता मां को लगातार फायरिंग कर सलामी देता है। पूजा की ये पूरी प्रक्रिया लगभग घंटे भर चलती है और इस दौरान लगातार बैंड बाजे की धुनों पर जवान अपने बंदूक से फायरिंग कर माता रानी को सलामी देते रहते हैं। परंपरा के तहत फायरिंग को लेकर बड़ी बात ये भी है कि बकायदा फायरिंग का निर्देश सरकार का होता है। ये देवी माँ को दिया जाता है, जैसे हम लोग का ये, जैसे हम लोग का ये बटालियन है ना, उसके लिए बहुत पहले से चली आ रही है। तो कि मतलब हमारे बटालियन में क्या बोले उसको, मतलब किसी, मतलब साहस और ये सब आए उसी का नाम लोग देवी माँ को सलामी देते हैं। इस मौके पर बकरी की बलि देने की भी प्रथा है। जैप के जवान माँ की आराधना के साथ अपनी शक्ति को अपने ही अंदाज में नमन करते हैं, तो परिवार की महिलाएं कुंवारी कन्याओं का पूजन कर खुशहाली और सलामती का आशीर्वाद लेती रहती हैं। नवरात्र के मौके पर माँ दुर्गा के प्रति भक्ति का नजारा झारखंड आर्म पुलिस फोर्स के परिसर में कुछ अलग ही होता है और यही वजह है कि अपने हथियारों की पूजा करते हैं और माता को फायरिंग कर सलामी दी जाती है ताकि माँ इतनी शक्ति दे कि दुश्मनों के सामने कभी भी ये पुलिस के जवान फेल न हो सके। कैमरा पर्सन सुरेंद्र प्रसाद के साथ ब्रजेश राय, R9 TV, रांची।